हमीरपुर जिले के मौदा ब्लॉक क्षेत्र के फतेहपुरवा गांव में मकान की छत पर काम कर रहे दो लोग हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए, जिन्हें इलाज के लिए आनंद फानंद में कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, जहां पर दोनों का इलाज किया जा रहा है। फतेहपुरवा गांव निवासी राम बहादुर 45 वर्ष पुत्र पुत्तन देवी दयाल पुत्र बद्दू गाँव के ही मूलचंद के मकान बनाने का काम कर रहे थे, तभी काम करते समय सरिया मकान के ऊपर से गुजरी हाई टेंशन लाइन में छू गई। सरिया के लाइन पर छूते ही उसमें करंट आ गया, जिससे दोनों करंट की चपेट में आ गए, जिससे वह बुरी तरीके से झुलस गए। एम्बुलेंस की मदद से आनंद फानंद में दोनों को कस्बे के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का इलाज जारी है। हमीरपुर से एबी लाइव न्यूज के लिए संवाददाता ज्योति वर्मा की रिपोर्ट। सर मकान बना रहे थे, सरिये बोगा रहे थे, उसमें करंट से मिस्त्री का राम बहादुर और साथ में तो थोड़ा हेल्प करवा दिया कि सरिये उठ रहे, लाल जैसे लगाया टच हो गए तार में, तो टच होने से करंट नीचे लगाए जहाँ से गिरे। किसका मकान बन रहा था? मूल चंद का मकान बन रहा है। हाँ जी, कई हजार की सर 11,000 की करंट लग गया। कैसे? छत डाल रहे थे तो वो छत धर गई है, झोला बांध है मेवा माँ लाइन माँ, तो मिस्त्री ऊपर था, ये लड़का नीचे था, तो वो छत धर गई है, तो मिस्त्री वहाँ गिर गया है, छत नीचे आ गई है, तो उसके लग गया करंट। कितने लोग घायल हैं? दो आदमी। कौन कौन? देवी दयाल और बहादुर राम बहादुर। दोनों अलग अलग परिवार के हैं? हाँ, अलग अलग परिवार। किस गांव के हैं? फतेहपुरवा।